हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पीनल कोड आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन की प्रीवियस लेक्चर में हमने पनिशमेंट से डील किया था पनिशमेंट्स के बाद में चैप्टर फोर जो होता है आई में वो होता है आपका जनरल एक्सेप्शन का जनरल एक्सेप्शन रेंज करता है आपके सेवेंटी सिक्स से लेकर वन हंड्रेड सिक्स में आई के और सेवेंटी सिक्स से लेकर नाइन्टी फाइव तक आपके जनरल प्रोविजन होते हैं उसके अंदर और नाइन्टी सिक्स से वन हंड्रेड सिक्स तक आपको डील किया जाता है प्राइवेट डिफेंस के बारे में तो आइए हम देखते हैं आज के लेक्चर में जनरल प्रोविजन जो है सेवेंटी सिक्स से नाइन्टी फाइव तक वो क्या कहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स प्रिपेयर किया है इस इंडेक्स के अंदर आपको पता पड़ेगा कि जो भी प्रोविजंस हैं उनको शॉर्टली हम कैसे लिख सकते हैं कैसे मेमोराइज कर सकते हैं अब जो जनरल एक्सेप्शन के प्रोविजंस होते हैं उनको मेमोराइज करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्री के अंदर इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और मीन्स के परस्पेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है एक बात आपको एक और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जनरल एक्सेप्शन है वो आईपीसी के सभी प्रोविजंस पे तो अप्लाई करते ही करते हैं पर इनका नाम है जनरल एक्सेप्शन तो जनरल एक्सेप्शन जो होते हैं वो सभी स्पेशल लोकल लॉस के ऊपर भी अप्लाई करेंगे रीजन ये जनरल नेचर के हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉक्सो का कोई केस लेते हैं और किसी सात साल से छोटे बच्चे के ऊपर एलिगेशन लगता है कि उसने दूसरे छोटे बच्चे का सेक्शुअल हरेसमेंट किया होता है तो इस केस के अंदर सेक्शन 82 अप्लाई होगा और 82 के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा कि सात साल से कम उम्र का बच्चा कल्पेबल हो ही नहीं सकता है उसकी वो मेच्योरिटी होती नहीं है और उसको लॉ से एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिली हुई है तो देयरफॉर हम सेक्शन 82 के चलते पॉक्सो के अंदर उस सात साल के बच्चे सात साल से छोटी उम्र के बच्चे के ऊपर कोई कन्विक्शन या कल्पेबिलिटी नहीं ला पाएंगे तो, तो ये होता है आपका जनरल एक्सेप्शन का क्लॉज और जनरल एक्सेप्शन की एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको ऐसा एक्जाम्पल दिया कि ये बाकी एक्ट्स के ऊपर भी एक्सटेंड करता है तो आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 76 में क्या बात की जाती है तो सेक्शन 76 बात करता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे वो सोचता है कि वो बाउंड बाय लॉ है वो काम करने के लिए तो वो ऑफेंस नहीं होगा अगर कोई जज जुडिशली एक्ट करते हुए कोई एक्ट करता है तो अगेन वो बाउंड नहीं होंगे टू जजमेंट किसी जज के जजमेंट या ऑर्डर के चलते किसी व्यक्ति ने उस जजमेंट को फॉलो करते हुए कुछ कार्य किया तो ही इज नॉट बाउंड फॉर एनी एक्ट डन जो ऑफेंस हो सकती है अगर आपने लॉ के जस्टिफिकेशन में कोई काम किया है ये सोचते हुए कि वट आर वॉट यू आर डूइंग इज जस्टिफाइड बाय लॉ तो अगेन यू आर नॉट लाएबल अगर कोई काम एक्सीडेंट या नेसेसिटी के चलते हुआ है एक्सीडेंट मिसफॉर्चून नेसेसिटी जो आपकी जरूरत बन गई थी वो चलते हुए आपने कुछ किया तो वो ऑफेंस नहीं होगा चाइल्ड को हमने जैसे अभी डिस्कस किया कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है है तो उसने कोई एक्ट किया लुनेसी के अंदर ही इज ऑल्सो नॉट लाइबल इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में अगर आप कुछ काम करते हो और वो इनवॉल्टेरी होता है तो आप लाइबल नहीं होंगे कंसेंट के साथ में अगर कोई काम किया गया जो सेक्शन 87 से 92 तक का ब्लॉक है हमारा उसके अंदर भी आपकी लाइबिलिटी नहीं होती है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ में जो दिया जाता है डॉक्टर से अक्सर पेशेंट्स को और उसके चलते कोई हार्म हो जाता है तो आप लायबल नहीं होंगे थ्रेट अगर आप कोई काम थ्रेट में करते हो जिसमें इमिनेंट डेथ का थ्रेट दिया जाता है और आपने कोई काम किया तो आप लाइबल नहीं होंगे और कोई ऐसा काम जिसको करने से बहुत छोटा हार्म होगा स्लाइट हार्म होगा जिससे कोई व्यक्ति कंप्लेन ना ही करे तो कोर्ट उसका कॉन्ग्जेंस नहीं लेगा और आप उसमें भी लाइबल नहीं होंगे तो ये था हमारा इंडेक्स आप इस इंडेक्स को नोट डाउन कर सकते हैं और इस इंडेक्स को याद करना मेमोराइज करना बहुत जरूरी भी है सो मूविंग ऑन हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सेवेंटी से सेक्शन सेवेंटी कहता है कि अगर कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है ये समझते हुए ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ कि वो बाउंड बाय लॉ है वो काम करने के लिए दैट ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू द एक्ट बाउंड बाय लॉ का मतलब ड्यूटी बाउंड होना उसकी जिम्मेदारी है लॉ के चलते अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो ब्रीच करेगा वो ऑमिशन करेगा अपनी लीगल ड्यूटी का तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आपको इलिस्टेशन में भी यही मिलता है कि रवि जो होता है ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है और रवि ऑर्डर किया जाता है रवि को नमन को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ने रवि को ऑर्डर दिया होता है कि आप नमन को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करो रवि जाता है इंक्वायरी करता है ड्यू इंक्वायरी करता है अपने पड़ोसियों से नमन के और वो बताते हैं कि ये पर्सन नमन है रवि उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाता है फिर पता पड़ता है कि व्यक्ति नमन नहीं था दमन था तो इस केस के अंदर रवि की कोई लाइबिलिटी नहीं है रवि की कोई कल्पेबिलिटी नहीं है रीजन बींग इसके अंदर जो रवि ने एक्ट किया था ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू डू इट उसे लगता था कि जो वो एक्ट कर रहा है वो सही है ही डिड अ एक्ट इन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो भी एक्ट उसने किया इट वॉज डन इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ मिस्टेक ऑफ लॉ को जैसे हमने पढ़ा है इग्नोरेंस या इग्नोरेंसियाजिस इज नॉन एक्सक्यूजेड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था मेयर हेंस जॉर्ज के केस के अंदर जिसमें वो गोल्ड वाला इंस्टेंस था उनकी मिस्टेक ऑफ लॉ थी और उसके ऊपर उन्हें माफ नहीं किया गया था उनका जो गोल्ड था उसे सीज कर लिया गया था ठीक है तो सेक्शन 76 आपका ये कहता है 76 और 79 को हम साथ में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे लीगली बाउंड पर्सन की बात कर रही है और यहाँ पर पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ उसकी बात की गई है तो जस्टिफाइड बाय लॉ का मीनिंग क्या होता है तो वेन अ पर्सन इज जस्टिफाइड बाय लॉ उसके पास ऑप्शन होता है कोई एक्ट करने का या ना करने का उसे वो जस्टिफाइड लगता है उसे वो सही लगता है बाय लॉ तो वो एक्ट करता है इसका एग्जाम्पल आपको मिलता है रवि सीज इज वॉट अपियर्स टू बी मर्डर बाय नमन रवि गुजर रहा होता है रोड से और उसको नमन के घर में कुछ हिंसा वायलेंस होती हुई दिखती है और उसमें उसको लगता है कि नमन जो है वो सामने वाले का मर्डर कर रहा है तो वो नमन को अप्रीहेंड कर लेता है उसे कोर्ट में ले जाता है पुलिस के पास में और जब केस चलता है तो पता पड़ता है कि जो नमन था सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था ना कि आगे से उसने इनिशिएट किया था आगे से उसने एग्रीवेट किया था तो सेल्फ डिफेंस में एड कर रहा था तो नमन तो दोषी नहीं था पर इस केस के अंदर रवि के ऊपर भी कोई दोष नहीं लाया जाएगा सिंस ही थॉट ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसने काम किया ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ आप नदी के किनारे से गुजर रहे थे और वहाँ पर आपने एक व्यक्ति को पानी में डूबते हुए देखा और आपने उसे बचाया जब उसे बचाने के बाद आप बाहर लाए तो पता पड़ता है कि वो पानी में डूब नहीं रहा था पानी में कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह गिर गए थे वो उन्हें तलाशने के लिए पानी में डुबकी मार रहा था तो अब वो आपके ऊपर रॉन्गफुल रिस्टेंट का केस नहीं चला सकता है रीजनिंग आपने जो एक्ट किया था वो गुड फेथ में किया था आपने ये सोचते हुए एक्ट किया था कि आप जस्टिफाइड हो लॉ के द्वारा वो एक्ट करने के लिए और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपने एक्ट किया था तो देरफोर इसमें आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ के अंदर ये डिफरेंस होता है यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है काम करने की यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है और वो डिस्क्रिप्शन के चलते आप वो काम करते हैं तो ये आपका 76 और 77 का प्रोविजन हुआ मूविंग ऑन जो सेवेंटी सेवन बात करता है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय एन एक्ट ऑफ जज जब एक व्यक्ति जो जज है वो जुडिशियली एक्ट कर रहा होता है और उस जुडिशियल एक्ट के चलते उसे कोई गलती हो जाती है तो वो ऑफेंस के लिए अरावल नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल एक जज होता है वो एक जजमेंट पास करता है डेथ पेनल्टी का कुछ महीने बाद उस डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और डेथ पेनल्टी जो सेंटेंस है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद में व्यक्ति के मरने के बाद में पता चलता है ऐसा एविडेंस डिस्कवर होता है जिससे पता पड़ता है कि जो वो व्यक्ति था वो गिल्टी था ही नहीं ऑफेंस के लिए और हमने गलत डेथ पेनल्टी दे दी तो इस केस के अंदर जो जज ने उसे सेंटेंस किया था उसके ऊपर कोई कल्पेबिलिटी नहीं होगी रीजन ही वॉज एक्टिंग जुडिशियली और वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे थे तो देर ही विल नॉट बी लाएबल सेवेंटी एक्ट डन परसेंट टू जजमेंट और ऑर्डर किसी जजमेंट और ऑर्डर के चलते अगर कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है तो ही इज ऑल्सो नॉट लाइबल सिंस ही वॉज ऑर्डर बाय द जजमेंट टू डू सो ही वॉज बाउंड बाय द जजमेंट ठीक है तो जो एग्जीक्यूशनर होता है प्रीवियस केस में हमने एग्जीक्यूशन की बात की थी तो जो एग्जीक्यूशनर होता है जल्लाद जिसे हम कहते हैं तो जो जल्लाद जिससे फांसी पर लटकाता है जो भी कन्विक्ट को ऑफेंडर को और बाद में पता चलता है कि ऑफेंडर जो था वो गिल्टी था ही नहीं तो इसमें जल्लाद की भी कोई गलती नहीं है एग्जीक्यूशनर भी लाइबल नहीं होगा सिंस ही वॉज एक्टिंग परसेंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो ये हमारा सेक्शन सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट अब जो सेक्शन 80 होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये एक्सीडेंट और मिसफॉर्चुन की बात करता है तो इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी एक्ट अगर मिसफॉर्चुनर एक्सीडेंट से होता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा अगर वो करते वक्त व्यक्ति का कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं था और जो दूसरी बात है कि वो जो व्यक्ति काम कर रहा था वो जो एक्ट थी वो लॉफुल एक्ट थी लॉफुल मैनर से हो रही थी वो एक्ट और लॉफुल मीन्स के साथ हो रही थी विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन दैट इज इन गुड फेथ वो एक्ट कर रहा था विदाउट इंटेंशन विदाउट नॉलेज टू डू एन ऑफेंस और उसने वो एक्ट किया और वो जो एक्ट था एक्सीडेंट और मिस्टेक्स मिस मिसफार्च्यून से हुआ तो उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे इसका जब आप एग्जाम्पल देखेंगे इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको दो एग्जाम एक एग्जाम्पल मिलता है हैचेट का हैचेट का मतलब होता है एक एक्स जैसा इक्विपमेंट होता है जिसे आप पेड़ काटने के लिए यूज़ करते हैं तो उसका जो ऊपर से मुंह होता है हैचेट का जो तीखा शार्प एज होती है वो पेड़ काटते वक्त निकल के उड़ जाती है और उड़ के किसी व्यक्ति के लग जाती है और व्यक्ति को चोट चोटकारित हो जाती है ग्रीवियस हर्ट हो जाता है उसकी हड्डी वड्डी टूट जाती है स्कल में फ्रैक्चर हो जाता है कट लग जाता है जो भी होता है तो इसके लिए वो व्यक्ति लाइबल नहीं होगा अगर उसका कोई क्रिमिनल इंटेंसल या नॉलेज नहीं था और उसने प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं होती है उसने काम पे जाने से पहले अपने इक्विपमेंट को थरोली चेक किया होता है ये मेक श्योर किया होता है कि यार इससे कोई इंजरी कॉज ना हो किसी व्यक्ति को तो उस केस के अंदर वो लेबल नहीं होगा सिमिलरली एक और दूसरा इंस्टेंस होता है एक लकड़ा हारा होता है पेड़ काट रहा होता है और उसके आसपास कुछ, कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और वो लकड़ी काट रहा होता है तो यहाँ पे उसके पार्ट पे ड्यू केयर और क्वेश्चन नहीं है और वो खेलते वक्त बच्चों के उसका जो हैचेट होता है उसका मुंह निकल के किसी बच्चे के लग जाता है उसको चोट कारित हो जाती है तो यहाँ पर इसको हम एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून नहीं कंसीडर करेंगे रीजन मीनिंग आपके पार्ट पर क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं था लेकिन आपको नॉलेज थी कि बच्चे अगर पास खेल रहे हैं तो कुछ डेंजर हो सकता है तो पहले आपको बच्चों को हटाना चाहिए था उन्हें दूर भेजना चाहिए था फिर अपना काम करते हैं तो यहाँ पर आप लायबल हो सकते हैं तो ये था हमारा सेक्शन एटी के दो एग्जाम्पल्स एक और एग्जाम्पल आपको मिलता है सेक्शन टू के इलिस्ट्रेशन डी में यहाँ पर ये बात की गई है कि अ मैन गोस्ट टू द जंगल टू किल लायल एक लाइन को मारने के लिए जंगल जाता है और अपने साथ में आर्म सेमिनेशन ले जाता है इलिगली जैसे वो लाइन के ऊपर शूट करता है गोली लाइन पे नहीं लग के किसी और व्यक्ति पे लग जाती है जो उसके रेंज ऑफ विजन में नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि वो व्यक्ति वहां पर है तो यहाँ पर उसकी क्या कल्पेबिलिटी रहेगी क्या वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के चलते बच जाएगा या फिर उसको कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए हम कन्विक्ट करेंगे तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि जब आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का प्रोविजन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है कि इन ऑफेंस को कमिट करने के लिए स्पेसिफिकली आपको मैं सरिया होने की जरूरत है आपके पास इंटेंशन या नॉलेज होनी चाहिए कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है इस केस के अंदर शूटर के पास कोई रीजन नहीं था ये बिलीव करने का कि मेरे शूट करने से शेर के अलावा किसी दूसरे प्राणी की मौत हो सकती है किसी दूसरे व्यक्ति की मौत हो सकती है तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का केस उसके ऊपर चल ही नहीं सकता है रीजन बिंग मैन पूरा एबसेंट था आपका आपको कोई चार्ज लगाना है तो आप इलीगल आर्म्स एक्ट के ऊपर चार्ज लगा सकते हो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत चार्ज लगा सकते हो पर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड उसमें नहीं होगा ठीक है तो यह था आपका एक्सीडेंट और मिस का प्रोविजन सेक्शन एटी क्या कहता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्मन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म पर्सन और प्रॉपर्टी ऐसी एक्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज है कि इससे हार्म तो कॉज होगा पर आपका ऑब्जेक्टिव था एक्ट करने का टू प्रिवेंट अदर हार्म और पर्सन या प्रॉपर्टी का को कोई हार्म हो सकता था तो उसे रोकने के लिए तो इसके अंदर आप जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं इलेस्ट्रेशन पढ़ते हैं इस प्रोविजन के अंदर वो आपको मिलता है कि ए पुल्स डाउन हाउस टू प्रिवेंट फर्दर हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी एक भीषण आग होती है आपके मोहल्ले में सपोज आग लगी और आपके जो पड़ोसी होते हैं वो एक घर के अंदर ब्लास्ट करके उस घर को गिरा देते हैं ताकि जो आग होती है वो आगे पूरी कॉलोनी तक ना फैले तो इस केस के अंदर उनकी क्या कल्पेबिलिटी है तो उनकी कोई कल्पेबिलिटी नहीं होगी रीजन बिंग जो एक्ट उन्होंने किया था वो नेसेसिटी के चलते किया था टू प्रिवेंट अदर हार्म जो हार्म ऐसा हो सकता था जो एक घर के बदले दस घर और जल सकते थे तो ये देखते हुए उन्होंने घर गिराया होता है तो इसके अंदर जब कोर्ट कल्पेबिलिटी डिसाइड करता है तो कोर्ट को ये देखना होता है केस टू केस बेसिस के ऊपर कि जो डैमेज को हम बचाना चाह रहे थे और जो डैमेज हमने कॉज किया है उनका प्रपोर्शन किया है ठीक है तो so, इसके ऊपर एक केस आप पढ़ते हैं डडली का बहुत ही फेमस केस है और बहुत ही प्रोमिनेंट केस है इस प्रोविजन का इसके अंदर क्या होता है कि एक बोट होती है वो कैप्साइज हो जाती है और सिंक हो जाती है दैट इज बोट के अंदर छेद वेद हो जाता है और वो डूब जाती है पानी के अंदर बीच समुद्र में तो लाइफ बोट होती है उसके ऊपर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं उनमें से एक व्यक्ति होता है जो बीमार होता है और बाकी सब जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी भूखे होते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमें सर्वाइव करना है तो हम क्या करें तो वो उस व्यक्ति को मार के खा जाते हैं इसे कैनिबलिज्म कहते हैं तो वो लोग उसे मार के खा जाते हैं और जब उन्हें पकड़ा जाता है उनके ऊपर केस चलता है तो वो नेसेसिटी के प्रोविजन को क्लेम करते हैं तो इसके अंदर कोर्ट क्या कहता है कोर्ट ये कहता है कि जो प्रोविजन 81 वन का वो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इसके अंदर उन्हें गिल्टी पाया जाता है मर्डर के लिए और सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए इन्हें दोषी ठहराया जाता है इसके अंदर यह कहा जाता है कि सेक्शन एटी जो है सेल्फ प्रिजर्विंग नेचर का नहीं है और अगर आपने ऐसा कुछ एक्ट किया है तो आप लाइबल होंगे आप किसी का मर्डर कार्य नहीं कर सकते हो मूविंग ऑन जो सेक्शन एटी है अगेन अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये बात करता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बा पर्सन विद बिलो द एज ऑफ सेवन ईयर्स इसको हम डॉली इनकेपैक्स के नाम से जानते हैं ऐसी पार्टी जो ऑफेंस करने के लिए कैपेबल ही नहीं है उसे हम डॉली इनकेपैक्स कहते हैं और एक बच्चा जो सात साल से कम की उम्र का है वो डॉली इनकेपैक्स कहलाता है तो एक सवाल ये उठ सकता है इसके अंदर कि अगर बच्चा सात साल का ही उसके जन्मदिन के दिन ही वो कुछ ऑफेंस करता है तो क्या वो लायबल होगा तो नहीं वो उसके लिए भी लायबल नहीं होगा सात साल के दिन सात साल का उसका जो बर्थडे होगा सात साल वाला बर्थडे भी इंक्लूडेड होता है सात साल तक के पीरियड में तो ये आपका डॉली इनकेपेक्स का प्रोविजन सेक्शन एटी मूविंग ऑन जैसा कि मैंने सेक्शन 82 में आपको बताया था कि पॉक्सा का अगर कोई केस भी होता है तो जनरल एक्सेप्शन वहां पे भी लागू होता है और 82 का उसके अंदर भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा मूविंग ऑन अब एक बात और होती है कि कोई सात साल से बड़ा बच्चा और बारह साल से कम उम्र का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो क्या वो लायबल होगा तो ये डिपेंड करता है उसकी मैच्योरिटी पे, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। अगर वो ये समझ सकता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो गलत है रॉन्ग है इट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ तो वो लायबल पाया जा सकता है अदरवाइज अगर उसकी मेच्योरिटी नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतना तो उसे लाइवल आप नहीं कहेंगे ये होता है सेक्शन एटी ये होता है सेक्शन एटी तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स देते हैं ये जो आपको पता करना होता है कि व्यक्ति जो है बच्चा जो है लाइव मेंटल अंडरस्टैंडिंग का है मेच्योरिटी का है या नहीं वो आप उसके कंडक्ट से जज करते हैं इसके लिए आपको जो तो एग्जाम्पल मिलते हैं एक ग्यारह साल का बच्चा होता है एक दिन खेलते खेलते उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है और वो उसके दोस्त को कहता है कि कल मैं तेरा गला कांस से काटूंगा और अगले दिन ही आके उसका गला वो कहाँ से काट देता है पूरे एक दिन के बाद में तो इस चीज़ के अंदर बच्चे का कंडक्ट ऐसा होता है कि उसको पता होता है कि वो क्या धमकी दे रहा है और वो क्या करने जा रहा है कितना ग्रूसम एक्ट है वो तो इसके लिए आप यहाँ पे आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे एटी थ्री का इसके अंदर आप लाइबिलिटी पाएंगे एक और एग्जाम्पल होता है एक दस साल का बच्चा होता है वो एक आपके घर से सौ रुपए की बुक चुरा लेता है और उस बुक को वो चोरी करके दस रुपए में बेच देता है तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि कल्पेबिलिटी थी या नहीं तो प्राइमर फेस ही तो लगता है कि कल्पेबिलिटी नहीं थी रीजन बिंग सौ रुपए की बुक उसने दस में बेच दी तो कल्पेबिलिटी ये देख के नहीं होती है उसका मेंटल इंटेंशन कि भाई सौ रुपये की बुक का वो मूल्यांकन कर सके कल्पेबिलिटी ये देख के होगी क्या वो उसने ऑफेंस कमिट किया ये जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूँ तो उसने हाँ ये जानते हुए काम किया कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है और दूसरी बात जब उसने उसको बेचा तो उसके पास पूरा इंटेंशन था कि उस पैसे को उस बुक को पैसे में कन्वर्ट कर सके और कन, उस पैसे को यूज कर सके तो चाइल्ड ऑफ टेन ईयर्स टील बुक वर्थ रूपीज हंड्रेड एंड सेल्स इट फॉर रूपीज टेन इसके अंदर कन्विक्शन आपको मिल सकता है बच्चे का क्योंकि इंस्टेंस के अंदर इस कंडक्ट के थ्रू इंडिकेट करता है कि वो कल्पेबल था उसकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके एक्ट को लेकर आपका सेक्शन 83 थ्री जो सेक्शन तो तो like 84 है हमारा वो बात करता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की सेक्शन 84 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते कोई एक्ट करता है जिसे करते है तो उसे उसका नहीं समझ आता है तो वो लावल नहीं होगा अब यहाँ पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो होती है वो प्रिवेल करनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑफेंस मैकनोटन रूल्स भी कुछ ऐसा ही कहता है बहुत ही फेमस रूल है और आपसे अक्सर प्री में पूछा जाता है कि व्हाट इज मैकनोटन रूल्स एंड अंडर विच प्रोविजन इट इज गिवन तो मैकनोटन रूल क्या होता है इसके अंदर ये कहा गया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो अक्यूज पर लाई करेगा टू प्रूव टू शो दैट जिस समय उसने एक्ट किया था वो इनसेन था वो ल्यूनेटिक था वो अनसाउंड माइंड का था ठीक है अदरवाइज कोर्ट जो है वो प्रिजम्शन अगेंस्ट मिलेगा इसके जो सेक्शन हमने 105 पढ़ा था आईपीसी का जिसके अंदर सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस का जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रिजम्पन होता है वो ऐसे सर्कमस्टेंसेज के फेवर में होता है मानो कि एक्जम्पन एक्सेप्शन नहीं मिलेगा अनसाउंडनेस मस्ट बी एट द टाइम ऑफ ऑफेंस तो जो अनसाउंडनेस है वो ऑफेंस के टाइम होनी चाहिए एग्जामिनेशन ऑफ अनसॉर्डनेस बाय मेडिकल एक्सपर्ट्स तो मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा उसकी अनसॉर्डनेस का एग्जामिनेशन होगा और उनके ब्यौरे के बाद में हम कंसिडर करेंगे कि वेदर दैट पर्सन वॉज अनसॉन्न एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट और नॉट तो ये आपका सेक्शन एटी मूविंग ऑन अगला जो प्रोविजन है हमारा इंटॉक्सिकेशन की बात करता है सेक्शन एटी फाइव इंटॉक्सिकेशन के ब्लॉक से रिलेट करता है एटी में एक आ गया है कि जब कोई कभी कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है जो इंटॉक्सिकेशन में वो एक्ट करता है और उसे उस एक्ट का नेचर नहीं पता होता है उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होता है उसे ये नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी एक्ट का नतीजा क्या होगा और जो काम मैं कर रहा हूँ वो रॉन्ग है गलत है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है विधि के विरुद्ध है तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है और जो इंटॉक्सिकेशन था वो इनवॉलेंटरी था दैट इज स्वेच्छ छाया नहीं था उसने खुद से इंटॉक्सिकेट नहीं किया था तो वो लाइवल नहीं होगा इसका मैं आपको एक एक्जाम्पल देता हूँ आप एक क्लग में जाते हो आप एल्कोहलिक नहीं हो आप अपने दोस्त के साथ में क्लग में गए और आपके दोस्तों ने आपकी ड्रिंक के अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर ड्रिंक मिला दी दारू मिला दी और, मिला और आपने उस कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम किया आपकी कोल्ड ड्रिंक जो थी वो स्पाइक थी आपने उस कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम किया और आप इंटॉक्सिकेटेड हो गए और उस नशे के अंदर चलते आपने किसी से झगड़ा किया और हर्ट कारित कर दिया उसको तो इस केस के अंदर क्या आप लाइवल होंगे तो आप इस केस के अंदर लाइबल नहीं होंगे सिंस आपका इंटॉक्सिकेशन जो था वो इन्वॉलेंट्री था और आपका खुद के ऊपर काबू नहीं था ड्यू टू बीइंग इंटॉक्सिकेटेड ठीक है तो ये आपका सेक्शन 85 है 86 बात करता है इन केसेस वेयर एक्ट इज डन इज़ नॉट एन ऑफेंस अनलेस इट बिंग डन विद अ पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज जब आप कोई एक्ट करते हो और उसे ऑफेंस होने के लिए एक एक्ट एक को एक इंटेंशन एक नॉलेज के साथ ही किया जाना जरूरी है और आप वो एक्ट इन में करते हो तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि आपके पार्ट पर नॉलेज तो थी पर आप इंटेंट नहीं कर रहे थे वो काम करने का आपको पता था आप क्या कर रहे हो पर आप इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे थे वो काम तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है इसका मैं आपको कैसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ तो एक ऑफेंस होता है थेफ्ट का जिसमें इंटेंशन होनी चाहिए डिसऑनेस्ट और एक ऑफेंस होता है डिफेमेशन का जिसमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म पा सकता है तो इंटेंशन और नॉलेज में ये फर्क होता है कि आपको नॉलेज होती है आप जानते हो कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम के करने का पीछे कारण क्या है आपका वो होता है आपका इंटेंशन तो नॉलेज से एक बड़ी डिग्री पे होता है एक इंटेंशन और इंटेंशन को 86 के अंदर प्रिज्यूम नहीं किया जाता है सिर्फ जो प्रिजम्पन होता है 86 में वो आपकी नॉलेज का होता है तो अगर ऑफेंस आपने थेफ्ट का किया है तो प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पार्ट पर इंटेंशन थी वेर एज ऑफेंस आपने डिफेमेशन का किया है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा नॉलेज के बेसिस पे वो आपके ऊपर रहेगा और अक्यूज को रिबेट करना पड़ेगा कि मेरे पार्ट पर कोई भी नॉलेज नहीं था तो ये आप ऐसे रिपेट कर सकेंगे और सेक्शन 86 आपका अगली बात जिसके अंदर ये है वो है कि इंटॉक्सिकेशन जो था अगेन वो इनवॉलेंटरी था वॉलंटरी नहीं था अगर वो वॉलंटरीली होता है तो वॉलंटरीली पे तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं अगर आप खुद ने अपनी इच्छा से दारू पी है और उसके बाद में झगड़ा किया है तो उसके बाद में आपको लॉ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इन और अगेंस्ट हिज विल अगेंस्ट हिज विल मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करके अगर आपको कुछ सब्सटेंस दिया गया हो तो, तो ये आपका सेक्शन एट्टी अब जो हमारा अगला ब्लॉक है एटी से नाइन्टी थ्री जो कंसेंट की बात करता है उसे हम लास्ट में डील करेंगे बाकी के प्रोविजन को हम पहले लेते हैं तो सेक्शन नाइन्टी थ्री क्या बात करता है सेक्शन 93 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में किया जाए किसी पर्सन के लिए और जिस पर्सन के गुड फेथ के लिए उससे कम्युनिकेशन किया ज, गया है उस कम्युनिकेशन के चलते उसे कोई हार्म पहुंच जाए तो व्यक्ति जिसने कम्युनिकेशन दिया था वो लायबल नहीं होगा फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है कोलेस्ट्रॉल चेक करता है काफी हाई पाता है और वो बताता है कि साहब आपको हेल्थ कंडीशन है और ऐसी हेल्थ कंडीशन के अंदर आपको कभी भी एक डेंजरस स्ट्रोक आ सकता है और यह सुनने के बाद जैसे ही आप घर जा रहे थे आपको घर जाते स्ट्रेस के चक्कर में एक बढ़िया सा स्ट्रोक आया और आपकी डेथ हो गई तो इस केस के अंदर आप सेक्शन 93 के अंदर क्या डॉक्टर को लायबल कह सकते हो तो नहीं आप डॉक्टर को लायबल नहीं कह सकते हो सिंस द कम्युनिकेशन जो उन्होंने किया था आपके भले के लिए किया था गुड फेथ में किया था ताकि आपको नॉलेज दे सके कि आपके साथ क्या कंडीशन है और डॉक्टर यहाँ पे लाइबल नहीं होगा रीजन फॉर फॉर एनी हार्म कॉज ड्यू टू द कम्युनिकेशन दैट ही हैज़ मेड जो भी आपको हार्म हुआ था वो उनके कम्युनिकेशन की वजह से ही हुआ था डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको स्ट्रोक हो सकता है ये सुनने के बाद आपको स्ट्रेस हुआ और आपको एक्चुअली स्ट्रोक हुआ तो ये आपके बेनिफिट के लिए कम्युनिकेशन था और इसमें डॉक्टर की कोई कल्पेबिलिटी नहीं होती है डॉक्टर लाइबल नहीं होता है अब सेक्शन नाइन्टी क्या होता है सेक्शन नाइन्टी बात करता है कि अगर एक्ट को आपने थ्रेट के थ्रू कंपेल किया है किसी व्यक्ति को कोई एक्ट करने के लिए अगर आप थ्रेटन करते हो और थ्रेट ऐसा होता है कि आप इंस्टेंट डेथ के लिए थ्रेट करते हो कि अगर किसी व्यक्ति ने आपका कोई काम नहीं किया तो उसे आप वहीं पे मार दोगे इसे हम कहते हैं इंस्टेंट थ्रेट अगर इंस्टेंट थ्रेट के चलते कोई काम किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होता है और उस व्यक्ति को कल्पेबल नहीं ठहराया जा सकता है देर इज रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ देन नथिंग इज एन ऑफेंस नन बाय डेट पर्सन जैसा मैंने आपको बताया एक्सेप्ट अगर कोई आप ऐसा ऑफेंस करते हो जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है और इट इज़ पनिशेबल विथ डेथ तो वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट आप करते हो विथ डेट थ्रेट आपको डेथ थ्रेट मिलता है और आप उसके चलते ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट एक सौ इक्कीस का ऑफेंस करते हो तो उस केस के अंदर आपको सेक्शन नाइन्टी फोर का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि दैट ऑफेंस इज बाय बायस अंडर सेक्शन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन और दूसरा जो है अगर आप थ्रेट के ही अगर आप डेथ के ही थ्रेट के चलते किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हो डेथ कॉज करते हो तो उस केस के अंदर भी नाइन्टी फोर का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या कहा है कि पर्सन शुड नॉट एक्ट ऑन हिज ओन अकॉर्ड पर्सन अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहिए कि हाँ मैंने उसको बोला कि तुझे मैं मार दूंगा लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेज नहीं था जिससे उसे, उसे लगे कि ये मेरे को मार सकता है मार पाएगा मैंने दूसरे देश से कॉल किया कि भाई अगर तू ऐसा काम नहीं करेगा तो मैं वहाँ के तुझे मारूंगा तो इसकी प्रॉबेबिलिटी नहीं होती कि ये वो व्यक्ति वहाँ जाकर उसे मार पाएगा तो यहाँ पे अगर वो व्यक्ति काम करता है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार अपने ओन अकाउंट पे काम किया है और यहाँ पे वो लाइवल पाया जाएगा थ्रेट मस्ट नॉट बी लेस देन देट जहां कहीं पर भी मैंने थ्रेट दिया कि अगर तू मेरे लिए ताला नहीं खोलता है अपने घर का तो मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा तो इस केस के अंदर आपने ताला खोला और चोरी कर ली तो 94 के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा रीजन बिंग जो मेरा थ्रेट था वो लेस देन डेथ था मैंने आपको मृत्यु का डेथ नहीं दिया था मैंने आपको ग्रीवियस हर्ट का डेथ ग्रीवियस हर्ट का मैंने आपको मृत्यु का डेथ का थ्रेट नहीं दिया था मैंने आपको ग्रीवियस हर्ट का थ्रेट दिया था तो देरफोर आप वहां पे लाइबल पाए जाओगे सेक्शन 94 के चलते एग्जांपल इसका एक लेते हैं तो पर्सन इज कैप्चर्ड बाय गैंग ऑफ डकोइट्स एंड मेड टू ओपन अ लॉक एक गैंग ऑफ डकॉइट्स होती है रात में दस बजे एक लॉक स्मिथ के पास जाती है उसको उसके घर से उठाती है बोलती है कि अगर तूने हमारे लिए ये ताला नहीं तोड़ा तो हम तुझे जान से मार देंगे और उस डर से उस थ्रेट से वो ताला खोल देता है तो सेक्शन 94 के अंदर वो लायबल नहीं होगा ये था आपका एग्जाम्पल सेक्शन 94 का जो हमारा सेक्शन 95 है लास्ट सेक्शन है इस पर्टिकुलर चैप्टर uh, का पर्टिकुलर टॉपिक का हमारे वो है नथिंग इज एन ऑफेंस दैट इज डन विद इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज सो स्लाइट ऑफ अ हार्म जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे जो हार्म कॉज होता है वो इतना कम होता है इतना छोटा होता है कि एक नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल टेम्पर्ड ऑर्डिनरी टेम्पर वाला पर्सन उसके लिए कंप्लेन नहीं करेगा तो वो ऑफेंस नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त चिप्स खा रहा था और आपने उसमें से एक चिप्स निकाल के खा लिया तो क्या आपका दोस्त उसके ऊपर आपको सू करेगा नहीं करेगा तो ये कोई ऑफेंस नहीं है सिमिलरली अगर आपके घर से आपके गार्डन से अक्सर आप देखते होंगे कि पूजा के लिए लोग फूल तोड़ के ले जाते हैं तो क्या आप उनके ऊपर केस चला सकते हैं नहीं सिंस वो जो ऑफेंस है वो ट्रिवियल नेचर का है और इसके ऊपर कोई नॉर्मल टेम्पर वाला पर्सन

और आप जब वो एड करते हो तो सामने वाले का कंसेंट होता है और सामने वाले की उम्र अट्ठारह साल से ज्यादा होती है और फिर उस एक्ट को करने के बाद में उसके साथ कोई इंजरी कॉज हो जाती है उसे कुछ हार्म हो जाता है तो उसके लिए आप लाइबल नहीं हो यही लिखा गया सेक्शन एटी में ठीक है और जो वो कंसेंट होता है वो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का क्यों होना चाहिए रीजनिंग क्वालिटी ऑफ कंसेंट मैटर करती है 18 साल से कम का जो बच्चा होता है वो अपना हित समझने के लिए परिपक्व नहीं होता है केपेबल नहीं होता है तो देर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए और जो कंसेंट होना चाहिए वो एक्सप्रेस से एम्प्लॉयड भी होता है अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से भी आप अपना कंसेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो कैसे भी कर सकते हो तो इसका जो आप एग्जाम्पल पढ़ते हो आपको बैरेट के अंदर एग्जाम्पल मिलता है ए एंड जेड एग्री टू फैंस विथ ईच अदर तो ए और जेड जब एग्री करते हैं फैंस करने के लिए तो फैंसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक पतली और लंबी स्वॉर्ड के साथ में आप कम्पीट करते हो और आप एक बॉडी सूट पहनते हो और आपको बॉडी सूट पे, पे अपनी स्वॉर्ड जो टच करनी होती है जिसका आपको पॉइंट मिलता है तो जब वो खेलने के लिए एग्री करते हैं तो वो एक इंप्लाइड कंसेंट देते हैं कि इस खेल के चलते अगर हम फेयर प्ले खेलते हैं फेयर तरीके से खेलते हैं और उसके चलते अगर हमें कोई इंजरी या हार्म पहुंचता है तो उसका हम कंसेंट देते हैं और उसके चलते अगर कोई हार्म पहुंचता है जैसे जेड को यहाँ पे हार्म पहुंचा हर्ट हुआ तो उसके लिए ए का कोई लाइबिलिटी नहीं है ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया है रीजन बीन उसका इंटेंशन नॉलेज दोनों ही नहीं था और तीसरा जो था कंसेंट आपके पास अवेलेबल था सामने वाले पर्सन का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो अगर आप क्रिकेट फॉलो करते तो एक क्रिकेटर थे फिल ह्यूज करके ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन थे और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उनको शॉन अर्बर्ट नाम के बॉलर की एक बाउंसर बॉल आके गले पे लगी लगते ही वो कोलेप्स कर गए जब उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया तो एक दो दिन बाद उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया ये इंस्टेंस था तो इस केस के अंदर भी सिमिलर ही बात होती है कि जो फिल यूज थे वो उनका कंसेंट था जो भी वो हार्म अगर उनके वे में आ रहा है क्रिकेट खेलते वक्त फेयर तरीके से तो हम उसका कंसेंट देते हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था ये और बहुत ही प्रचलित भी था उस समय न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा भी होगा तो ये एक एग्जांपल है जिसे हम सेक्शन 87 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं आगे जो हम सेक्शन पढ़ते होता है सेक्शन 88 इसमें यह कहा गया है कि एक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट एंड इन गुड फेथ ऑफ द पर्सन ऐसा कोई एक्ट आप करते हैं जो अगले के कंसेंट से करते हैं जिससे आपका कोई इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का और आप उसके कंसेंट से करते हैं उसके गुड फेथ में करते हैं तो जो भी डॉक्टर्स आपके लिए सर्जरीज परफॉर्म करते हैं सीरियस सर्जरी होती है जिसमें बचने के भी चांस होते हैं मरने के भी चांस होते हैं ऐसी सर्जरीज को कहाँ प्रोटेक्ट करोगे आप सेक्शन एटी में प्रोटेक्ट करोगे आप सिमिलरली इसका एग्जाम्पल भी वही है कि जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होती है काफ़ी सीरियस सर्जरी uh, होती है और उसके अंदर आपके मरने के भी चांसेस होते हैं तो सर्जरी के दौरान सर्जरी के बाद में अगर किसी व्यक्ति की जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं होगा रीजन मीन जो आपने ऑपरेशन किया था वो पर्सन से पूछ के पर्सन के कंसेंट के साथ किया होता है और पर्सन के बेनिफिट के लिए किया होता है उसके हेल्थ के लिए किया होता है ठीक है तो ये आपका सेक्शन एटी होता है अब जो हमारा अगला सेक्शन होता है सेक्शन एटी उसमें एक आ गया कि एक्ट इज डन इन द गुड गुडफेट ऑफ द पर्सन और जो पर्सन होता है वो चाइल्ड होता है उसकी उम्र बारह साल से कम होनी चाहिए और जो आप एक्ट करते हो उसके कंसेंट उसके गार्डियन के कंसेंट के साथ में करते हो तो आप लाइबल नहीं होगे। सिमिलरली इसके अंदर ये प्रोविजन दे रखे इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आप एक्ट कर रहे हो वो इंटेंशनल हार्म नहीं होना चाहिए उस एक्ट से दूसरी बात क्या है इट शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी एक्ट विच द पर्सन नूज इज लाइकली टू कॉज देथ ऐसी कोई एक्ट नहीं होनी चाहिए जो आपको पता है कि डेथ कॉज कर सकती है अनलेस इट इज टू प्रिवेंट डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट करने के लिए और जो आखिरी पॉइंट है हमारा वो ये कहता है कि इट शैल नॉट एक्सटेंड टू दी अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस आप जो एक्ट कर रहे हैं वो कोई ऑफेंस को अबेट ना करें तो ये हमारा सेक्शन एटी है और एटी का प्रोविजियो इसके अंदर हम एक्जाम्पल ले सकते हैं कि एक बच्चा है उसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है अब सिंस वो 18 से कम है तो वो खुद का कंसेंट तो दे नहीं सकता उसका कंसेंट वैल्यू नहीं रखता एज ऑफ लॉ में तो हम यहाँ पे उसके गार्डियन का कंसेंट लेते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं अब उस ऑपरेशन के चलते उसको कोई इंजरी या हार्म भी पहुंच जाता है तो आप लाइबल नहीं होंगे रीजनिंग सेक्शन 89 बताता है कि अगर आपने एक्ट गुड फेथ में किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन आप लाइबल नहीं होंगे तो ये तो हमारा सेक्शन एटी जो हमारा अगला प्रोविजन होता है होता है सेक्शन नाइन्टी इसके अंदर ये बात की गई कि जो कंसेंट होता है कंसेंट की क्वालिटी की बात की गई कि कब कंसेंट की क्वालिटी अगर कंसेंट आपको मिलता भी है तो हम उसको कंसेंट नहीं समझेंगे तो फियर ऑफ इंजरी का थ्रेट होता है आपके ऊपर और मिसकसेप्शन ऑफ फैक्ट या तो किसी ने आपको धमकी दी होती है इंजरी के साथ में और फिर आपका कंसेंट लिया होता है या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स किसी फैक्ट्स की एग्जिस्टेंस को आप गलत समझ लेते हैं और उसके चलते अगर आप अपना कंसेंट देते हैं तो भी वो वैलिड कंसेंट नहीं होगा कंसेंट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का कंसेंट की बात की गई है या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है उसके कंसेंट की बात की जा रही है तो वो भी क्वालिटी नहीं होती उनके कंसेंट की भी रीजनबिंग जब वो कंसेंट देते हैं तो वो समझ ही नहीं सकते कि हमारे कंसेंट का रेपरकशंस जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो क्या हो सकते हैं और जो आखिरी है कंसेंट बाय पर्सन अंडर ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज बारह साल से कम उम्र के बच्चे का कंसेंट हम नहीं मानते रीजन रीजनबिंग वो अपना कंसेंट समझने के लिए परिपक्व नहीं है मेच्योर नहीं है तो ये थे कंसेंट ऐसे जिन्हें हम कंसेंट नहीं समझते हैं आईपीसी के अंदर और अगर ऐसा कंसेंट आप अक्वायर करते हो तो वो माना जाएगा कि नो कंसेंट एट ऑल इट इज़ नॉट अ कंसेंट सेक्शन नाइनटी टू बात करता है एक्ट डन फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन इन गुड फेथ विदाउट कंसेंट अब कुछ इंस्टेंसिस ऐसे होते हैं जब आप किसी व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति के हित के लिए काम करते हैं और उसके अंदर वो व्यक्ति जो होता है कंसेंट देने की कैपेसिटी में नहीं होता है और उसके बिहाफ पर तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके पास अवेलेबल नहीं होता है कि आप उसका कंसेंट ले सको तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज के अंदर क्या होता है अगर कोई डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का इलाज करता है ऑपरेशन करता है फॉर एग्जाम्पल एक रोड एक्सीडेंट हुआ और जो व्यक्ति था उसके लॉस ऑफ ब्लड की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो डॉक्टर उसके लिए अगर ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन के चलते कोई हार्म उसको पहुंचता है तो उसके लिए वो डॉक्टर लाइबल नहीं होगा क्योंकि सेक्शन नाइन्टी का बेनिफिट उन्हें मिलेगा जो एक्ट डॉक्टर कर रहा था जो ऑपरेशन डॉक्टर परफॉर्म कर रहा था दैट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट और वो पेशेंट जो था कंसेंट देने की हालत में नहीं था तो उसके कंसेंट के बिना उसके बेनिफिट के लिए ऑपरेशन किया जा रहा था तो सेक्शन नाइन्टी का बेनिफिट मिलेगा अगर कोई हार्म इंजरी उस व्यक्ति को कॉज हो जाती है इसके अंदर दे रखे हैं तो आप तो आपको, आपको दे दिया एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख रखा है रवि कैरेड ऑफ बाय टाइगर तो रवि को एक शेर उठा के ले जाता है और अभी जो है रवि को बचाने के लिए शूट करता है शेर के ऊपर शेर के ऊपर तो गोली लगती नहीं है पर रवि को गोली लग जाती है और रवि को इंजरी हो जाती है तो क्या रवि अभी के खिलाफ केस चला सकता है तो इसके अंदर होता है कि सेक्शन 92 की बेनिफिट मिलेगा अभी को सिंस अभी को रवि को बचाने का इंटेंशन था और उसके लिए शूट किया गया था बेनिफिट के लिए शूट किया गया था और रवि उस समय अपना कंसेंट नहीं दे सकता था शेर के मुंह में वो ये नहीं बोल पाता कि भाई मुझे बचा गोली चला तो जो भी ऐसा केस था तो उसके अंदर भी आप रवि को कल्पेबल नहीं ठहराओगे सेक्शन नाइन्टी के चलते ये था हमारा सेक्शन नाइन्टी और जो लास्ट सेक्शन है हमारा इस चैप्टर का इस वीडियो का वो होता है सेक्शन नाइन्टी जिसके अंदर बताया गया द एक्सेप्शन डू नॉट एक्सटेंड टू एनी एक्ट वेर द एक्ट इज सेन इज एन ऑफेंस मतलब अगर आप किसी एक्सेप्शन को क्लेम कर रहे हो किसी ऐसे एक्ट के एक्सेप्शन को क्लेम कर रहे हो जो एक्ट खुद ही ऑफेंस है तो उसका अगर आप कंसेंट भी देते हो तो भी वो 87 से लेकर 92 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं पाएगा फॉर एग्जाम्पल आप मिस कैरेज की बात कर लेते हैं अगर मिस कैरेज आप कंसेंट से भी कराते हो तो भी वो वैलिड नहीं होगा दैट इज देट इज एन ऑफेंस अंडर आई पी सी सेल्फ सेक्शन तीन सौ पंद्रह तीन सौ बारह से लेकर तीन सौ पंद्रह तक आपको मिस कैरेज से रिलेटेड ऑफेंसेज मिलते हैं और वो कंसेंट के साथ भी अगर आप करा देते हो तो भी आप लाइबल होते हो ऑफेंस के लिए एक और ऑफेंस होता है अगर किडनेपिंग का ऑफेंस आप ले लीजिए अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची है और उसने आपको कंसेंट दिया कि मैं आपके साथ भागने को तैयार तो हूँ आप उसे भगा ले चलते हैं तो आर वर्जिस प्रिंस का जो केस था जिसमें अंदर उसे एज का मिसकंसेप्शन था तो इसके अंदर भी उसको बेनिफिट नहीं मिलता है उसको लायबल माना जाता है सिंस जो एक्ट थी वो कंसेंट के बिना ही एक ऑफेंस थी और कंसेंट की उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि अगर सोलह साल से कम उम्र की लड़की किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आती है और उसके साथ में सेक्शुअल एक्सपीरियंस करती है और फिर वो रेप का एलिगेशन लगाती है तो इसके अंदर भी जो ऑफेंस होता है इट इज़ एन ऑफेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट अगर कंसेंट था भी स्टिल आपने जो काम किया वो ऑफेंस था और उसको भी प्रोटेक्शन हम नहीं देंगे 87 से 92 के ब्लॉक में जहाँ पे कंसेंट होता है व्यक्ति का तो ये थे सेक्शन 91 का मीनिंग और आज हमने पढ़ा जनरल एक्सेप्शन के पहले पार्ट को जिसके अंदर हमने देखा सेवेंटी सिक्स सेक्शन नाइन्टी तक तो so सेवेंटी से लेके सेक्शन 95 के जो आपको इंडेक्सेस मिलते हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स में नोट किए सबसे पहले हमने देखा बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ को डिस्कस किया व्यक्ति को यहाँ पे लॉ की बाउंडेशन होती है और यहाँ पे व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि वो काम करे ना करे जज अगर जुडिशली एक्ट करते हुए कुछ काम करता है तो वो लाइबल नहीं होता है अगेन परसुएंट टू जजमेंट अगर कोई एक्ट किया जाता है जैसे एग्जीक्यूशनर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो वो लाइबल नहीं होता है अगर गलत एग्जीक्यूशन भी हो जाता है एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून का केस है और गुड फेथ में किया जाता है कोई भी काम और उसके चलते कोई एक्सीडेंट या फिर चोट कारित हो जाती है क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज के बिना तो आप लाइबल नहीं होंगे सिमिलरली नेसेसिटी की बात आती है तो आर वर्जिस डडली का केस हमने देखा था और घर में आग लगी थी और बाकी घरों की आग को बचाने के लिए अगर आप घर गिरा देते हो तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि बड़ा कोई भी अगर आपको खतरा है प्रॉपर्टी या पर्सन को और उसे रोकना है तो आप एक छोटा खतरा कारित कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी या पर्सन को ये था हमारा सेक्शन 81 उसके बाद में हमने चाइल्ड के प्रोविजंस को देखा कि सात साल से कम उम्र का बच्चा लायबल हो ही नहीं सकता उसके बाद में हमने देखा कि अनसॉर्न माइंड व्यक्ति का है और उसके चलते वो कोई एक्ट करता है तो अगेन ही इज नॉट लाइबल फिर हमने 85 और 86 सिक्स के अंदर देखा कि इंटॉक्सिकेटेड अगर पर्सन कोई एक्ट करता है और वो इनवॉलेंटरी था या फिर अगेंस्ट हिज विल था तो ही इज ऑल्सो नॉट लाइबल कंसेंट का हमने ब्लॉक लास्ट में पढ़ा एटी से नाइन्टी का नाइन्टी के अंदर बताया गया कि अगर गुड फेथ में कम्युनिकेशन की जाए उसके चलते कोई हार्म हो जाए तो आप लाइबल नहीं होंगे सेक्शन नाइन्टी में हमने देखा कि अगर थ्रेट है डेथ का थ्रेट है इंस्टेंट डेथ का थ्रेट है तब आप कोई काम करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं होगा और सेक्शन नाइन्टी फाइव हमने देखा कि अगर स्लाइट हार्म वाला कोई एक्ट अगर आप कर रहे हैं और ऑर्डिनरी पर्सन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता है तो कोर्ट उसका काग्नीजेंस नहीं लेगा और दैट इज ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस तो ये तो हमारा पार्ट ए ऑफ जनरल एक्सेप्शन अगले पार्ट में हम कवर करेंगे दूसरा पार्ट जो है जो प्राइवेट डिफेंस से डील करता है और उसके बाद में हमारा पार्ट A के अंदर बचता है अब अब और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट जिसे हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे सो एल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू